नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो हमेशा की तरह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो प्लीज वीडियो देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आप इस चैनल का वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं। हम सभी किचन में काम करते करते फोन का यूज तो करते ही हैं, कभी बोरियत में करते हैं और कभी कोई रेसिपी देखनी है या कभी कुछ भी देखना है तो फोन का यूज करते रहते हैं। अक्सर हम इस तरह से फोन को दीवार के साइड में टेक लगा देते हैं और फोन रुकता नहीं है, गिर जाता है, इस तरह से फिसल जाता है तो काफी दिक्कत होती है। कोई भी चीज अगर देखना होता है तो प्रॉब्लम होती है, हमें गुस्सा भी लगती है। तो इसके लिए क्या करना है, लीजिए रबड़ बैंड, कोई भी रबड़ बैंड इस तरह का आप ले लीजिए। घर में मिठाई के डिब्बों में या बहुत सारी चीजों में ये रबड़ बैंड निकलता है, तो आप उसको रख लीजिए और इस तरह से फोन को इसके ऊपर टेक लगा दीजिए। बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक रबड़ बैंड रखिए और इसके ऊपर फोन को ऐसे रख दीजिए और किसी भी एंगल में देखिए आप फोन को रख दीजिए, चाहे तो इतना और चाहे तो ये, इस तरह से फोन आपका ना तो हिलेगा, ना ही फिसलेगा और ना ही गिरेगा। फिर आप अपना मनचाहा वीडियो बहुत आसानी से देख सकते हैं, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसान सा टिप है, कुछ भी आपको मार्केट से लाने की जरूरत नहीं है, बस एक रबड़ बैंड लीजिए और इस तरह से रख दीजिए, फोन ना तो गिर रहा है ना ही हिल रहा है। इसको आप भी अपने किचन में अपना सकती हैं। अब नेक्स्ट टिप है हमारी सलवार सूट और दुपट्टे को लेकर। तो ज्यादातर हम सभी के पास इसी तरह का सेट होता है, कुर्ती का होता है, दुपट्टा होता है और सलवार या फिर प्लाजो जो भी है उसका होता है। तो हम इसको प्रेस करके इस तरह से एक के ऊपर एक रख देते हैं और इसी के साथ में अगर और भी सलवार सूट ऊपर से रख देते हैं तो जब भी निकालना होता है तो पता ही नहीं चलता है, किसी का सलवार किसी के साथ हो जाता है, किसी का दुपट्टा किसी के साथ हो जाता है, तो ढूंढने में काफी दिक्कत होती है। तो इसके लिए भी बहुत अच्छी टिप आपके लिए लेकर आई हूँ। जब भी आप सलवार सूट और दुपट्टे को आयरन कर लीजिए तो इस तरह से सलवार को आधे पर से ऐसे पहले फोल्ड कर लीजिए, सलवार या प्लाजो जो भी है आधे पर से फोल्ड कर लीजिए और अब इसके ऊपर रखिए दुपट्टा यहाँ पे आधे में और इसी के ऊपर रख दीजिए कुर्ती इस तरह से। अब फिर से इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए इस तरह से। जब आप इसको अलमीरा में रखेंगी या कहीं सफर में जा रही हैं तो बैग में रख रही हैं तो ऐसे ही तीनों को एक साथ करके रखिए और जिस सेट की आपको जरूरत हो वो सेट यहीं से आपको पता चल जाएगा, इस तरह से बाहर निकाल लीजिए। तो इससे आपका सलवार सूट और दुपट्टा तीनों एक साथ रहेगा, अलग अलग नहीं होगा और ना ही खोजने की जरूरत पड़ेगी कि किसका दुपट्टा या किसकी कुर्ती कहाँ गई। तो ये टिप भी छोटी सी है लेकिन बहुत यूजफुल है। अभी सर्दियां जाने वाली हैं तो हम सभी के पास शॉल स्टॉल बहुत सारी हो जाती हैं तो उनको रखने में काफी प्रॉब्लम आती है कि कहाँ पर रखें, इतनी ज्यादा हो जाती हैं। तो इनको रखने का भी बहुत अच्छा टिप मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये स्टॉल है, स्टॉल को देखिए मैं इस तरह से तह कर ली हूँ और स्टॉल को उल्टे की तरफ से तह कर ली हूँ, उल्टा वाला भाग ऊपर है और ये जो सीधा वाला भाग है ये नीचे है। तो जब भी हम रखेंगे इस तरह से इसको उल्टे की तरफ ही ऊपर रखेंगे, इससे क्या होगा कि इसको हम ज्यादा दिनों के लिए रखते हैं, मतलब कि पूरी गर्मी इसका यूज नहीं होता है, फिर सर्दियों में ही निकालना है। इसको सीधा करके रखेंगे तो अगर कुछ दाग धब्बा लग जाता है तो सीधे की तरफ लगेगा, तो देखने में स्टॉल या शॉल जो भी रख रहे हैं अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से आप स्वेटर को भी जब रखिए तो उल्टा करके ही रखिए, तो अगर इत्तेफाक से कुछ दाग या धब्बे लग जाते हैं तो उल्टे की तरफ लगेंगे, तो इससे आपका कपड़ा खराब नहीं होगा। तो इस तरह से तह करने के बाद अब एक फोल्ड और कर लेंगे ऐसे, इस तरह से देखिए पतले में मैं कर ली हूँ और अब इसको ऐसे यहाँ पे करेंगे और इस वाले भाग को लाएंगे इसके अंदर कर देंगे। इस तरह से आप अपने शॉल या स्टॉल को तह करके रखेंगे तो कम जगह में ढेर सारे शॉल या स्टॉल रख सकती हैं। चॉपिंग बोर्ड पर जब भी हम किसी भी तरह की सब्जियां काटते हैं तो चॉपिंग बोर्ड इधर उधर खिसकता रहता है जिससे सब्जियां काटने में काफी समय लगता है और डिस्टरबेंस भी होती है, सब्जियां बहुत अच्छे से कटती नहीं है। तो आज मैं दो बहुत अच्छा टिप आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चॉपिंग बोर्ड पर जब भी आप सब्जियां काटिए तो सबसे पहला टिप हमारा है कि इसके नीचे कोई कपड़ा या फिर किचन टॉवल बिछा दीजिए और इसके ऊपर चॉपिंग बोर्ड रख दीजिए, फिर सब्जियां काटिए तो सब्जियां बहुत आसानी से कटेंगी और ये इधर उधर फिसलेगा भी नहीं। और अगर आप ये कपड़ा नहीं बिछाना चाहते हैं
तो फिर लीजिए रबड़ बैंड। इस तरह का रबड़ बैंड हमारे घरों में अक्सर आता है, मिठाई के डिब्बों में लगा होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जिसमें ये रबड़ बैंड लगा होता है। इस तरह से दोनों साइड में रबड़ बैंड लगा दीजिए। अब आप कोई भी सब्जियां चॉप कीजिए, ये बिल्कुल नहीं खिसकेगा। तो है ना बहुत कमाल का टिप, एक बार इसको आप भी आजमा कर देखें। सर्दियों में अक्सर हम वैसलीन यानी कि पेट्रोलियम जेल का यूज करते हैं, किसी भी ब्रांड का हो इसको हम लेते ही हैं। तो आज मैं बहुत अच्छा टिप आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे सर्दियों के साथ साथ आप गर्मियों में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की वैसलीन हम सभी के घरों में होती है, डिब्बी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वैसलीन तो वैसलीन है, यानी कि पेट्रोलियम जेल ही होता है इसमें। तो इसका बहुत अच्छा यूज मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें से थोड़ी सी वैसलीन हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ी सी वैसलीन मैं निकाल ली हूँ और एक दिए पर रखी हूँ। तो आप चाहे तो दिया ले सकते हैं, या फिर कोई स्पून ले सकते हैं, या फिर दीपक जलाने वाला जो आता है उसको भी ले सकते हैं। अब लेंगे बाती। तो मैंने यहाँ पर फूल बाती लिया है, आप चाहे तो लंबी वाली बाती भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा ये वैसलीन यहाँ पर लगा देंगे और बाती को इसमें अच्छे से रख देंगे और वैसलीन से इसको इस तरह से ढक देंगे। तो गर्मियों में अक्सर हमारे यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि इन्वर्टर नहीं है, या है तो डिस्चार्ज हो गया है, तो या फिर कैंडल नहीं है, तो हमें अंधेरे में रहना पड़ता है। तो उसके लिए आज मैं बहुत अच्छा टिप लेकर आई हूँ। इस तरह से आप ये बाती वैसलीन में रख दीजिए और अब इसको जला दीजिए। तो ये दिया बिल्कुल तेल या घी का दिया जैसे हम जलाते हैं उसी तरह से काम करेगी। इसकी बाती तब तक नहीं खत्म होगी जब तक कि इसमें वैसलीन रहेगी। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा ही रखकर आपको दिखाई हूँ, आप चाहे तो और ज्यादा मात्रा में भर लीजिए और इसको घंटों जलाइए। बहुत अच्छे से ये जलता है, घंटों जलता है, और इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छी टिप है। तो इस तरह से जब भी लाइट चली जाए, कैंडल ना मिले, इन्वर्टर डिस्चार्ज हो या इन्वर्टर नहीं है, तो अपने घर में ऐसे उजाला कर सकते हैं। तो है ना बहुत कमाल का टिप। अब चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अक्सर हम बच्चों को कोई स्नैक्स खाने के लिए देते हैं तो वो उसके साथ टमाटो सॉस लेते ही हैं, और कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि उन्हें ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, तो ज्यादा हो जाने पे अक्सर वो टमाटो सॉस छोड़ देते हैं, तो इसको हम फेंक देते हैं। तो आज मैं इसका बहुत अच्छा यूज बता रही हूँ। तो बचा हुआ टमाटो सॉस लीजिए और इसको अपने किचन के सिंक में इस तरह से चारों तरफ लगा दीजिए। स्टील का सिंक है तो बहुत जल्दी से वो धुंधला पड़ जाता है बर्तन धुलने की वजह से। तो इस तरह से टमाटो सॉस लगा दीजिए पूरे सिंक में। उसके बाद थोड़ा सा विम बार लीजिए या फिर जो भी सोप आप यूज करते हैं उसको ले लीजिए और हल्के हाथ से इस पे लगा दीजिए। टमाटो सॉस लगाने की वजह से आपका सिंक एकदम नए जैसा चमक जाएगा। इस तरह से आपका बचा हुआ सॉस भी बेकार नहीं होगा, यूज में आ जाएगा, और आपका सिंक भी बिल्कुल नए जैसा चमक जाएगा। अभी गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, और गर्मियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम बर्तन धुलते हैं तो बर्तन बहुत जल्दी सूख जाता है, और सूखने की वजह से हम इसको कितना भी साफ धुले तो इसमें सफेद सफेद दाग जैसा बन ही जाता है। इसके लिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक एक दो दो बर्तन मांजते रहते हैं और एक एक दो दो बर्तन धुलते रहते हैं, तो इसमें काफी समय लग जाता है और हमें दिक्कत भी होती है। हम सोचते हैं कि एक साथ सारा बर्तन मांज लें और फिर एक साथ सारा बर्तन धुल लें। तो बहुत अच्छा टिप आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप अगर सारे बर्तन को एक साथ मांज रही हैं और एक साथ धुल रही हैं तो भी आपके बर्तन सफेद नहीं होंगे। तो इसके लिए क्या करना है, जब भी हम कोई नया सूट लेते हैं तो उसमें इस तरह का फॉर्म लगा होता है, तो सूट का ये फॉर्म निकाल कर एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और एक एक बर्तन इसी से बिल्कुल हल्के हाथ से रब करके इस तरह से धुल लीजिए। ये फॉर्म बहुत सारी चीजों के साथ मिलता है, लेकिन सूट के साथ तो जरूर ही रहता है। तो आप इस फॉर्म को निकाल लीजिए और इकट्ठा करके रखिए। गर्मियों में जब आप इसके सहारे बर्तन धुलेंगे तो आपका बर्तन बहुत बढ़िया से चमकेगा और सूखने के बाद सफेद भी नहीं होगा। और सारे बर्तन जब आप धुल लीजिए तो फॉर्म को भी अच्छे से धुलकर इसका सारा पानी निचोड़ दीजिए, और इसको कहीं भी फैला देंगे तो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से ये सूख जाता है। नेक्स्ट टाइम फिर से आप इसी से बर्तन धुल लीजिए। तो इस तरह आप सूट से निकले हुए फॉर्म का बहुत अच्छा यूज कर सकती हैं।
गर्मियां आ रही हैं और गर्मियों में ज्यादातर होता है जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको दिन भर शूज पहनना पड़ता है, सॉक्स पहनना पड़ता है, जिसकी वजह से पैर से अजीब सी स्मेल आती है और पैर भी गीला हो जाता है। तो बच्चे जब सॉक्स निकालते हैं तो पैर देखने में अजीब से एकदम भीगा भीगा सा लगता है, और बड़े भी अक्सर पूरे पूरे दिन सॉक्स और शूज पहने रहते हैं, जिसकी वजह से उनका पैर भी काफी स्मेल करता है और पसीने की वजह से गीला भी हो जाता है। तो आज मैं बहुत अच्छा टिप आपके लिए लेकर आई हूँ, इसको आप अपनाएं इन गर्मियों में, आपको बहुत आराम मिलेगा। इसके लिए कोई भी टेलकम पाउडर लीजिए और पैर पर अच्छे से लगा दीजिए, इस तरह से। पूरे पैर में लगाने की नहीं जरूरत है, बस जहां तक सॉक्स रहता है वहां तक लगा दीजिए और फिर सॉक्स पहना दीजिए। इस तरह से बच्चे या बड़े कितनी भी देर शूज या सॉक्स पहने रहेंगे तो स्मेल नहीं आएगी और पैर भी गीला नहीं होगा। तो गर्मियों को देखते हुए बहुत ही यूजफुल टिप है, इसको आप भी जरूर अपनाएं। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज्यादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और इतने यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।